नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी की परीक्षा की डेट। बिहार के सासाराम में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। मेडिकल कॉलेजों में पीजी दाखिले 21 सितंबर से शुरू। बिहार की खराब कानून व्यवस्था पर भड़के पाटलिपुत्र सांसद। हार के बाद दिग्गज तेज गेंदबाज पर भड़के गावस्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी की परीक्षा की डेट। बीपीएससी के द्वारा परियोजना प्रबंधक मेंस और ऑडिटर मेंस परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है। बता दें कि परियोजना प्रबंधक मेंस की परीक्षा 22 और 28 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी और ऑडिटर मेंस परीक्षा 2, 3 और 4 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। यह दोनों परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहले शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा और दूसरे शिफ्ट का समय 1:30 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। बता दें कि इन दोनों परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के 1 सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। बिहार के सासाराम में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। बिहार के सासाराम में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बता दें कि यह हादसा दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन के कुंभौ स्टेशन के पास हुआ। इस हादसे की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हो गई। हालांकि यह हादसा मालगाड़ी के साथ होने के कारण किसी के चोटिल होने की खबर सामने नहीं आई है। हादसे के बाद दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन गया हावड़ा रेल रूट पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। फिलहाल मालगाड़ी के डिब्बों को पटरियों से हटाने का काम किया जा रहा है ताकि रूट फिर से शुरू हो सके। मेडिकल कॉलेजों में पीजी दाखिले 21 सितंबर से शुरू। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल नामांकन की काउंसलिंग 2022 की तिथि जारी कर दी है। राज्य के 50% मेडिकल पीजी के सीटों पर नीट पीजी में सफल छात्र MD, MS, PGD, DNB कोर्स में नामांकन के लिए वेबसाइट पर जाकर 21 से 26 सितंबर 10 बजे रात तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बाद आवेदन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर तक है। वहीं रैंक कार्ड और मेधा सूची 29 सितंबर रात 8 बजे तक जारी की जाएगी। बता दें कि काउंसलिंग के समय सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस 25,000 रुपए, प्राइवेट के लिए 2,00,000 रुपए फीस काउंसलिंग के दौरान जमा करना होगा। राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर तक रहेगी रद्द। बिहार से आसनसोल और टाटा नगर के रास्ते छत्तीसगढ़ के दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस 22 से 29 सितंबर तक रायगढ़ और झुरसुगरा के बीच चौथी लाइन को जोड़ने का काम शुरू होने की वजह से रद्द रहेगी। इसके साथ ही टाटा नगर और चक्रधरपुर से गुजरने वाली चवाली हावड़ा मुंबई और उड़ीसा मार्ग की 10 जोड़ी ट्रेनों को परिचालन 22 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को बदले मार्ग पर चलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन की ओर से टिकट बुक कर चुके यात्रियों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी जा रही है। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों के द्वारा दी गई है। वे 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें उस समय हार्ट अटैक आया था जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। बता दें कि राजू श्रीवास्तव शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। उन्होंने कई फिल्मों और शोज में काम किया था। रियलिटी शोज में भी राजू ने पार्टिसिपेट किया था। राजू को मगर पहचान कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली थी। पटना में इंजीनियर के ठिकाने पर निगरानी की रेड। पटना में इंजीनियर अरविंद कुमार के ठिकानों पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की है। इस रेड में अब तक मकान और जमीन समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज किया गया है। अरविंद कुमार के आवास और कार्यालय पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की, जिसमें सिर्फ पटना में ही 4 जगह जमीन और मकान मिले हैं। यह संपत्ति पत्नी और बेटे के नाम पर बनाई गई है। SVO से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छापेमारी बाद संपत्ति का किए गए आकलन में पता चला कि उनके पास यह करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति अवैध है। बिहार में ठंड के को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के द्वारा बिहार में ठंड का गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही इससे बचने की चेतावनी भी दी गई है। IMD पटना के मुताबिक गया और रोहतास के साथ साथ इसके निकटवर्ती क्षेत्र में अगले 48 घंटे के दौरान भारी से भारी बरसात की आशंका है। वहीं अगले 2 से 3 दिन के दरमियान बिहार पुरवैया हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर
प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम पूर्वानुमान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अभी अगले 10 दिनों तक लगातार सामान्य से मध्यम बारिश होती रहेगी। बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग। बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद 52 डीएसपी की नई पोस्टिंग की गई है। इससे पहले भी 59 अफसरों का ट्रांसफर बिहार सरकार के द्वारा किया जा चुका है। यह पहली बार है जब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इतनी संख्या में पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इन 52 डीएसपी में 15 नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। वहीं 60 से 62वीं बीपीएससी के जरिए नियुक्त हुए 23 प्रशिक्षु डीएसपी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। यह जानकारी गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार की खराब कानून व्यवस्था पर भड़के पाटलिपुत्र सांसद। बिहार की खराब व्यवस्था को देखते हुए पाटलिपुत्र के सांसद ने नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन लूट, हत्या, चोरी के मामले सामने आते हैं। यहां के अधिकारियों के पास करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हैं, जिसमें ना तो किसी को फंसाते और ना बचाते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी इन बातों को बंद कर देना चाहिए। जब वह बीजेपी के साथ थे तो उन्हें असहज महसूस हो रहा था, लेकिन नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि वह केंद्र में मंत्री रहे। उन्हें मंत्री किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। बिहार में मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले आरसीपी सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और राज्य की महागठबंधन सरकार पर पूर्वी चंपारण जिले से एक बार फिर तीखा हमला बोला है। नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्हें बिहार में कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है, इसलिए नया स्थान तलाश रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद को जनता दल से निकाले जाने पर कहा कि ऐसा करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। वहीं अमित शाह के सीमांचल दौरे के क्रम में बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है, हालांकि उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। राम सूरत राय ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार के पूर्व राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने प्रेस रिलीज जारी कर नीतीश और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में वर्तमान में महागठबंधन की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार चल रही है। मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नौकरी देने के नाम पर राज्य की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जिन 4,325 नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों को नियुक्त पत्र बांटा जा रहा है, वह पत्र 2 अगस्त 2022 को ही जिलावार आवंटन रैंडम कंप्यूटर माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जा चुका है। सीमांचल में मिशन 2024 का आगाज करेंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरे के दौरान अमित शाह पूर्णिया में जन भावना रैली को संबोधित करेंगे, जबकि किशनगंज में अलग अलग 2 बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही यह कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह सीमांचल के रास्ते बिहार में न केवल मिशन 2024 का आगाज करेंगे बल्कि पार्टी की जमीन मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में नेताओं के बैठने के लिए 56 फीट चौड़ा और 28 फीट लंबा स्टेज बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए अल्मोनियम 2 सेट बनाए जा रहे हैं। राजद कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद आज दोपहर अचानक ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए। इस खबर को सुनते ही तेजस्वी यादव भी आनन फानन में पार्टी दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान पार्टी कार्यालय के बाहर इकट्ठा भीड़ को देखकर तेजस्वी यादव गाड़ी से उतरकर पैदल ही पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंचे। माना जा रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव के पार्टी कार्यालय आने का मुख्य उद्देश्य जगदानंद सिंह के नाम की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक घोषणा करेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद जल्द ही किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। हार के बाद दिग्गज तेज गेंदबाज पर भड़के गावस्कर। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बीते दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में 19 ओवर में काफी रन दे दिए, जिस वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी गेंदबाजी को लेकर बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैदान में बहुत ज्यादा ओस थी। फील्डर्स या बॉलर्स को हमने टॉवल का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। आप ओस का बहाना नहीं बना सकते। हमने गेंदबाजी ही अच्छी नहीं की। भुवनेश्वर कुमार का 19वां ओवर काफी चिंता का विषय है। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 3 ओवर जो गेंदबाजी की है उसमें 39 रन दे दिए हैं। उन जैसे गेंदबाज से आप उम्मीद करते हैं कि वो 35-36 रन देंगे, ये टीम के लिए एक चिंता का विषय है। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए कोरोना
रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 4,510 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 23 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 84,450 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 123 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, शिवनाथ सैनी, अशोक यादव, राकेश कुमार, सदुल्ला पलवी, मोहम्मद नौशद राजा, कविता कुमारी, के सिन्हा, मृत्युंजय कुमार, भान प्रकाश मौर्य, नुन्नू कुमार, कुलदीप कुमार, पवन सिंह, अर्जुन राम, विषम कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको भारत के सबसे अच्छे हास्य कलाकार कौन लगते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।